हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा पाठ है बाल गोविंद भगत। इसमें आज हम लेखक का परिचय, साथ में पाठ का सारांश और कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ लिखा है रामवृक्ष वेणीपुरी जी ने। इसमें बचपन में लेखक ब्राह्मण धर्म के अनुसार पूजा पाठ करता था। ब्राह्मण होने के कारण वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता था और सुबह शाम दोनों समय संध्या आदि करता था। वह हमेशा अपने ब्राह्मण होने का गर्व करता था और पूजा पाठ, संध्या, धूप हवन करना, चंदन का तिलक लगाना सब कुछ वह करता था। इसी वजह से अपने आप को वह अन्य जातियों से श्रेष्ठ मानता था। लेकिन लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत के सामने उनका सिर झुक गया। वह जब भी उन्हें देखता था उन्हें झुककर राम राम करता था। वह उनके गुणों से प्रभावित होकर उन्हें आदर सम्मान भी देता था। वे अत्यंत साधु प्रकृति के व्यक्ति थे। लेखक बाल गोविंद भगत के बारे में बताता है कि जब गांव के सभी लोग अपने खेतों में हल चलाने और रोपनी करने आ जाते हैं, तब बाल गोविंद भगत कीचड़ से सने हुए अपने खेत में फसल की रोपाई कर रहे हैं और वे धान के पौधों को पंक्तिबद्ध रूप से खेत में रोप रहे हैं। बाल गोविंद भगत अपने खेत में रोपनी करते हुए उच्च स्वर में मधुर गीत गा रहे हैं। बाल गोविंद का संगीत सुनकर खेलते हुए बच्चे भी झूमने लगते हैं। उनका संगीत सुनकर स्त्रियां गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं और खेतों में रोपनी करने वाले मंत्रमुग्ध होकर क्रम से कार्य करने लगते हैं। इस प्रकार बाल गोविंद भगत का संगीत सब पर जादू सा कर देता है। गर्मियों की उमस भरी संध्या को बाल गोविंद भगत अपने संगीत के स्वरों के द्वारा शीतल कर देते थे। वे अपने आंगन में अपने संगीत प्रेमी मित्रों के साथ संगीत की सभा जुटा लेते थे। वे गाते थे और अन्य लोग उनके पीछे दोहराते थे। इस पाठ में प्रेमी मंडली उन संगीत प्रेमी लोगों की मंडली है जो उनके घर पर रोज शाम को, उमस भरी शाम को आती थी। और खंजड़ियाँ और करताल दो वाद्य यंत्र होते हैं जो गांव के जीवन में यूज़ किया जाता है। गांव के जीवन में गाना गाते समय उस वातावरण में उमस के स्थान पर उनके गीत जो थे वो शीतलता भर देते थे। बाल गोविंद भगत के गाए हुए पदों को दोहराने से लोग इतने मन हो जाते थे कि वो अपना सब कुछ भूल जाते थे और उन्हें दीन दुनिया की कोई सुध नहीं रहती थी। मनोलोक में वो विचरण करने लग जाते थे, यानी कि किसी भावना में बह करके खो जाते थे और दीन दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था। इस प्रकार भक्ति में लीन होकर वह क्षण आ जाता था जब भाव विभोर होकर बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाते हुए नाचने लगते थे और प्रेम मंडली के सदस्य उनके चारों तरफ नाचने लगते थे। ऐसे समय में सारा वातावरण संगीत की ताल पर नाचता हुआ लगता था। बाल गोविंद भगत का पुत्र मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण कुछ सुस्त और बोधा सा था। वह सामान्य बालकों के जैसा चुस्त, चालाक और चंचल नहीं था। इसलिए वह अपने पुत्र को बहुत प्यार करते थे ताकि उसमें हीन भावना ना आ जाए। उनके अनुसार मानसिक, शारीरिक और अभावग्रस्त आदमियों पर ज़्यादा निगरानी की आवश्यकता होती है। बाल गोविंद के बेटे की बीमारी से मृत्यु हो गई थी और मृत बेटे को घर के आंगन में चटाई पर लिटा दिया था। उसे एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया था। उन्होंने उस पर कुछ फूल और तुलसी के दल बिखेर दिए थे। तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते।
और उसके सिरहाने दीपक जला लिया था। वे अपने बेटे की मृत देह के सामने जमीन पर बैठकर गीत गा रहे थे और अपनी बेटे की बहू को रोने से मना करते हैं और कहते हैं कि आज रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का दिन है, क्योंकि उसके पति की आत्मा अब परमात्मा से मिल गई है। उनके विचार में मरने के बाद आत्मा परमात्मा में जाकर लीन हो जाती है। लेखक को कभी कभी यह लगता था कि कहीं बाल गोविंद पागल तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि एकमात्र पुत्र की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय आनंद मना रहे हैं। उन्हें मृत्यु आनंद मनाने का अवसर लगता है, इस दिन आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। उन्होंने अपने बेटे के क्रियाक्रम में कोई आडंबर नहीं किया और अपने बेटे की चिता में पतोहू से आग दिलाई। श्राद्ध का समय जैसे ही समाप्त हो गया, अपनी बहू को पीहर भेज दिया और उसके भाई को कहा कि अपनी बहन का दूसरा विवाह कर देना। उनकी पतोहू भाई के साथ जाना नहीं चाहती थी, वह दूसरा विवाह करना नहीं चाहती थी, बल्कि वह भगत जी की सेवा करना चाहती थी। वह उन्हें बुढ़ापे में बेसहारा छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने जाने के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि उनका खाना बनाना, बीमारी में देखभाल करना आदि कार्य वह करना चाहती है, लेकिन पतोहू का पुनर्विवाह वो चाहते थे, क्योंकि वह अभी जवान है, उसकी आयु वासनाओं पर ज़बरदस्ती काबू रखने की नहीं है। मनुष्य का मन चंचल होता है, वह कभी भी भटक सकती है। इन सब बुराइयों के लिए वे अपने पतोहू का विवाह कर देना चाहते हैं। इस कथन से उनके चरित्र की दृढ़ता का पता चलता है और वे अपनी बात पर हमेशा अटल रहते थे। प्रश्नोत्तर शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत वेशभूषा से साधु नहीं लगते थे, परंतु उनका व्यवहार साधु जैसा था और वे कबीर के भक्त थे, कबीर के ही गीत गाते थे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, ना ही निरर्थक किसी से लड़ते थे, गलत बात का हमेशा विरोध करते थे, कभी किसी की चीज़ को ना ही छूते थे, ना ही व्यवहार में लाते थे। उनकी सब चीज़ साहब की थी, यानी कबीर जी की थी। यहाँ तक कि उनके खेत में जो गेहूँ पैदा होता था वो सब भी कबीर मठ पर दे आते थे। वापस उन्हें बदले में प्रसाद के रूप में जो मिलता था वही खाकर अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। बाल गोविंद भगत की इन्हीं चारित्रिक विशेषताओं के कारण लेखक उन्हें साधु मानता था। दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्र वधु उन्हें क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत में उनके पुत्र और पुत्र वधु के अलावा परिवार में कोई भी नहीं था। पुत्र की मृत्यु के बाद उन्हें पुत्र वधु को उसके घर भेजने का निर्णय लिया, लेकिन वह उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, उन्हें बढ़ती उम्र में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वह उनकी सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझती थी। उसके अनुसार बीमार पड़ने पर उन्हें पानी देने वाला और खाना देने वाला घर में कोई नहीं था, इसलिए भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। प्रश्न है, भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर किस तरह की भावनाएं व्यक्त की? भगत का एक बेटा था, वह बीमार रहता था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। भगत ने अपने बेटे के मरने पर शोक नहीं मनाया। उसके अनुसार उसके बेटे की आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। आज एक विरहिणी अपने प्रेमी से मिलने गई है और उसके मिलन की खुशी में आनंद मनाना चाहिए, ना कि अफसोस। उन्होंने अपने बेटे के मृत शरीर को फूलों से सजाया, पास में एक दीपक रखा। वे अपने बेटे के मृत शरीर के पास बैठ कर के मिलन के गीत गा रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को बहू से को भी रोने से मना कर दिया था,
उसे भी आत्मा के परमात्मा में मिलने की खुशी में आनंद मनाने को कहा। प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं थी। उनके बाल सफ़ेद थे, वे दाढ़ी तो नहीं रखते थे परंतु उनके चेहरे पर सफ़ेद बाल जगमगाते ही रहते थे। वे भी कपड़े कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों वाली टोपी, जब सर्दियां आती तो काली कमली ओढ़ते थे, माथे पर सदा चमकता रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, गले में तुलसी की जड़ की एक बेडोल सी माला बांध कर रखते थे। उनमें साधुओं वाली सारी बातें थीं। वे कबीर को साहेब मानते थे, उन्हीं के गीत गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, सदा खरा व्यवहार करते थे, हर बात साफ साफ करते थे, किसी से व्यर्थ का झगड़ा नहीं करते, ना किसी की चीज़ों को छूते। वह दूसरों के खेत में शौच तक के लिए नहीं बैठते थे। उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता था कबीर पंथी मठ में ले जाते और प्रसाद के रूप में जो भी मिलता वापस ले आते। प्रश्न है, बाल गोपिन भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए थी कि वे अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। सुबह सवेरे उठते, गांव से 2 मील दूर नदी पर जाकर स्नान करते, वापस लौटते समय पोखर के ऊंचे स्थान पर खंजड़ी बजाते हुए गीत गाते। उनका यह नियम ना तो सर्दी में रुकता और ना ही गर्मी में। वे बिना पूछे ना किसी की वस्तु छूते थे, ना ही काम में लाते थे। उनकी नियमों की दृढ़ता पर लोग आश्चर्य करते थे। प्रश्न है, पाठ के आधार पर भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत के गायन को ना तो माघ की सर्दी और ना ही जेठ की गर्मी प्रभावित करती थी। माघ की सर्दी सबसे अधिक होती है और जेठ का महीना जो होता है उसकी गर्मी बहुत तेज होती है। ये दोनों ही उसके गायन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती थी। गर्मी में उमस से भरी शामें और सर्दी की शीतल हवाएं उसके गीत को प्रभावित नहीं कर पाती थी। गर्मियों में शाम के समय अपने आंगन में वह कुछ संगीत प्रेमियों के साथ आसन लगाकर बैठ जाते थे। सबके पास खंजड़ियाँ और करताल होते थे। बाल गोविंद एक पद गाते, सब लोग पीछे पीछे वह दोहराते। गीत का स्वर धीरे धीरे ऊंचा होने लगता था। स्वर की लय में एक निश्चित ताल और गति होती थी। धीरे धीरे उनके गीत मन से होते हुए तन पर हावी हो जाते थे। सुनने वाले और साथ गाने वाले अपने तन की सुध-बुध खो बैठते थे। बाल गोविंद भगत उठकर नाचने लगते और सभी लोग उनका साथ देते थे। इस तरह गर्मी की उमस भरी शामें भी उनके गायन से शीतल हो जाती थी। प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख करें। बाल गोविंद भगत समाज में प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। वे जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे, सब लोगों को एक समझते थे। वे ही भगवान के निराकार रूप को मानते थे, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं है। भक्त किसी व्यक्ति के मरने पर आनंद का अवसर मानते थे। जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई तो वे अपने बेटे के मृत शरीर को फूलों से सजाते हैं और उसके लिए गीत गाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार आज आत्मा परमात्मा में मिल गई है और इस मिलन का
आनंद मनाना चाहिए। उन्होंने बेटे का क्रियाक्रम अपनी पुत्र वधु से कराया। उन्होंने अपने पति की चिता को अग्नि दी। बाल गोविंद पुनर्विवाह को अनुचित नहीं मानते हैं, परंतु उनकी पुत्र वधु इसके लिए तैयार नहीं थी। वह उनके पास रह करके उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन बाल गोविंद उनके पुनर्विवाह के लिए उन्हें अपने घर भेज देते हैं। प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमकृत कर देती हैं, उस माहौल का शब्द चित्र बताएं। उत्तर है, आषाढ़ की फुहार पड़ते ही सारा गांव खेतों में दिखाई देने लगता था। वह मौसम धान की रोपाई का होता था। खेतों में कहीं हल चल रहे हैं, कहीं धान की रोपाई हो रही है। घर की औरतें आदमियों के लिए भोजन लेकर के खेतों की मुंडेर पर बैठी होती हैं। बच्चे पास में खेल रहे होते हैं। खेतों में ठंडी ठंडी हवा चलती है। उसी समय सबके कानों में ठंडी ठंडी हवा के साथ मधुर स्वर लहरियाँ पड़ने लगती हैं। यह स्वर बाल गोविंद भगत का होता है। वे भी अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे होते हैं। उनका सारा शरीर खेत की गीली मिट्टी से लथपथ है। जिस प्रकार उनकी उंगलियां धान के पौधों को एक एक करके पंक्तिबद्ध रूप दे रही थी, उसी प्रकार उनका कंठ उनकी संगीत शब्दावली को स्वरों के ताल से ऊपर नीचे कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि संगीत के कुछ स्वर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं और कुछ स्वर धरती पर खेतों में काम करने वाले लोगों के कानों में जा रहे हैं। उनका संगीत सुनकर खेतों में काम करने वाले लोगों के तन में लय पैदा हो जाती है, जिससे वहाँ का सारा वातावरण संगीतमय हो जाता है। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत कबीर के भगत थे। वे कबीर को साहब कहते थे। वे कबीर के बताए नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करते थे। उनके अनुसार सब चीज़ें कबीर साहेब की देन हैं। उनके खेत में जो भी पैदावार होती थी सिर पर लादकर वो दरबार में पहुंचाते और सब कुछ भेंट कर देते। वापसी में जो कुछ प्रसाद मिलता उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। इस प्रकार कबीर की तरह ही वे भगवान के निराकार रूप को मानते।